तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। गाइज, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम फायरबोल्ट इनविजिबल स्मार्ट वॉच को बाय करने के टॉप 5 रीजंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यही वो रीजंस है जिसकी वजह से जो है स्मार्ट वॉच काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है, अपने प्राइस को जो है जस्टिफाई करती है। तो गाइज, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है एंड आपको डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं हम पहले रीजन की। तो गाइस, जो पहला रीजन है स्मार्ट वॉच को बाय करने का, वो है डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, आपको इस स्मार्ट वॉच में जो काफ़ी कमाल का डिस्प्ले देखने को मिलता है। आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन रहने वाला है 454x450 पिक्सल्स। एंड गाइज, ये HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले रहने वाला है आपके लिए। एंड गाइज, आपको जो है 7 से 8 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी जो है कमाल का डिस्प्ले जो है एक्सपीरियंस रहने वाला है। साथ साथ गाइज, आपको जो है ऑलवेज ऑन का भी जो है सपोर्ट देखने को मिलता है डिस्प्ले में। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। एंड गाइज, AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से जो है आपकी बैटरी भी काफ़ी सेव होती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी जो है काफ़ी कमाल की रहने वाली है इस स्मार्ट वॉच में। बात करेगा इस दूसरे रीजन की। तो दूसरा रीजन है स्मार्ट वॉच को बाय करने का, वो है इस स्मार्ट वॉच की ड्यूरेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच आती है मेटेलिक बॉडी के साथ। साथ ही साथ गाइज, आपको जो है IP67 सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये स्मार्ट वॉच की बॉडी है डस्ट एंड वाटर प्रूफ के साथ जो है देखने को मिलती है। तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन वो काफ़ी अच्छा रहता है। मेटेलिक बॉडी के साथ जो है आपको जो वाटर प्रूफ एंड सैंड प्रूफ देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छी रहती है स्मार्ट वॉच। दोस्तों बात करेगा हम तीसरे रीजन की। तो तीसरा रीजन काफ़ी कमाल का गाइस आपको। जी हाँ दोस्तों, स्टोरेज प्लस TWS का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको स्मार्ट वॉच में 8GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। साथ साथ जो है ट्रू वायरलेस जो है आपके ईयरबड्स जो है उनको कनेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कमाल की चीज़ रहने वाली, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट वॉच में जो है सॉन्ग को स्टोर कर सकते हैं एंड उसको जो है अपने ईयरबड से प्ले कर सकते हैं। फ़ोन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये फीचर काफ़ी कमाल का है एंड आने वाला जो है काफ़ी अच्छा फीचर रहने वाला है फ्यूचर में भी है। तो काफ़ी जो है अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करें अगर हम चौथे रीजन की, तो गाइस चौथा रीजन है वॉच फेस। जी हाँ दोस्तों, आपको स्मार्ट वॉच में 100 बिल्ट इन वॉच फेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये स्मार्ट वॉच काफ़ी खास एंड काफ़ी अलग हो जाती है जो कि ट्रेंड में चल रही इन स्मार्ट वॉचेज उनसे। गाइस, क्योंकि आपको जो 100 वॉच फेस जो है बिल्ट इन देखने को मिलेगा, तो बार बार जो है वॉच फेस को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन पे जो है आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप जो है वॉच में ही बार बार जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं वॉच फेस को। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ न्यू वॉच फेस ऐड करने हैं, तो एप्लीकेशन में 200 प्लस जो है और वॉच फेस सपोर्ट देखने को मिलता है। तो वॉच फेस के मामले में जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली है स्मार्ट वॉच। साथ साथ गाइस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वजह से काफ़ी जो है वैरायटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो चौथा रीजन जो है वॉच फेस की वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय कर लेना चाहिए। बात करें गाइस अपने आखिरी एंड पांचवें रीजन की, तो गाइस पांचवा रीजन जो है आपको इसमें जो है ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इतने सारे फीचर्स के साथ साथ जो है आप जो है ब्लूटूथ कॉल भी जो है कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। तो कॉलिंग फीचर वाली स्मार्ट वॉच आपको जो है मिलती है। साथ साथ गाइस, 200 जो है कॉन्टैक्ट को सेव करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो है काफ़ी यूनिक चीज़ देखने को मिली। अदरवाइज जो है 7 से 8 या मैक्सिमम 10 जो है कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन जो है और स्मार्ट वॉचेज में मिलता है, बट इसमें जो है अप टू 200 कॉन्टैक्ट सेव कर पाएंगे। तो ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ जो है आपको जो है कॉन्टैक्ट सेव का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो गाइज, ये जो है टॉप 5 रीजन थे स्मार्ट वॉच को बाय करने के। आई होप आपको जो है पसंद आए होंगे एंड जो है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी डिसाइड करने के लिए कि आपको स्मार्ट वॉच बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गाइज, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपसे बिल्कुल मिस ना हो। या फिर आपका कोई सवाल या सुझाव होता है तो गाइज कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।